क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 18D का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक लंब वृत्तीय बेलन है तो उसका चित्र कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसके आधार का क्षेत्रफल आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेटा ये आधार है, इसकी त्रिज्या दिया 7, इसका मतलब आर की वैल्यू कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। पुनः कहता है और इसकी ऊंचाई कितना है, 14। अगर इसकी ऊंचाई 14 है तो हाइट कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। कहता बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। वैल्यू रखो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये जो बेस है, ये टॉप है, प्लस इसका कर्व सरफेस, ये सबको जोड़ लेना है। और सबको जोड़ करके फार्मूला बनाया गया था 2πr ब्रैकेट में h+r, सारी इकाई, सारे हाइट और रेडियस की जो इकाई है सेंटीमीटर में है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्या, 2×22/7 और r का मान हो जाएगा 7, h का मान 14, r का मान हो जाएगा 7। तो देखो ये हो जाएगा 2×22, ये 7 से 7 तो कट जाएगा और 14 में 7 जो मल्टीप्लाई कर जोड़ दो 21 हो गया, तो 22×44×21, तो 21 का गुणा हमें 44 में करना है, तो 1 × 4, 4×8, 4×8, 4, 8×4, 12, 2 हाथ में आया 1, 8×1, 9, तो ये बराबर हो गया 924 वर्ग सेंटीमीटर। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये दे रखा है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। कहता बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, सारी इकाई सेंटीमीटर में है। फिर क्या कहता है, बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब आर बताओ, आप बताओ बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2×π×r×h ये होता है। वक्र पृष्ठ कितना दिया, 1320, 2×22/7, त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, ऊंचाई 15 दिया है, तो r की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1320×7, ये 7 इधर भेज दिया, डिनोमिनेटर में आ गया 2×22×15, 2 से इसको काटो, 2×6=12, 2×6=12, 2×0=0, 22×3=66 जीरो हो गया, और 15×2=30, तो r की वैल्यू हो गई 2×7=14 सेंटीमीटर। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर।